Assalamualaikum viewers, welcome to this new bootstrap tutorial. In this tutorial what we are going to design is tabs and pills. So lecture will be delivered by sir Bakar, but over to sir. वो भी सेम वैसे जैसे हमने कल नेविगेशन बार देखी थी ना, तो उसका अल्टरनेट उन्होंने बूटस्ट्रैप ने टैब्स का बताया है और पिल्स का, ठीक है। और ये क्या है, बेसिकली हम मेन्यूज डिफाइन कर रहे होते हैं ना, जैसे हेडर में ये मेन्यूज है ना, इसमें से कौन से पेज पे जाना है। तो मेन्यूज़ के लिए बूटस्ट्रैप ने दो चीज़ें और बताई है, एक का टैब्स नाम है और एक का नाम पिल्स है, ठीक है। दोनों की बस जस्ट आपकी डिज़ाइनिंग उसने करके दी हुई है। तो मोस्ट वेब पेजेस हैव सम काइंड ऑफ मेन्यूज़ इन HTML आर मेन्यूज ऑफन डिफाइन एंड अनऑर्डर लिस्ट, जो हमारे पास लिस्ट मेन्यूज होते हैं अन UL के अंदर डिफाइन किए जाते हैं, ताकि हम लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद एंकर टैग लगा के उसको क्लिक कर सकें। तो जो मेन्यूज़ है वो कह रहे हैं कि UL का टैग लगाते हैं, LI फिर उसके अंदर एंकर वगैरह लगाते हैं, ठीक हो गया। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल करनी है तो लिस्ट को इनलाइन करते हैं, अगर वर्टिकल करनी है तो तब आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी UL होती है वो वर्टिकल ही होती है, ठीक है। किसी का माइक तो नहीं ऑन, नहीं, ठीक हो गया। तो इसी तरह से अब हमने ये देखना है कि बूटस्ट्रैप में टैब की मदद से मेन्यू को किस तरह से डिस्प्ले किया जा रहा है, ठीक है। तो ये देखें जी, अगर आप टैब्स की बूटस्ट्रैप की क्लास टैब्स वाली इस्तेमाल करते हैं तो ये देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक ये एक्टिव है और ये एक पूरी बॉर्डर बॉटम पर आई हुई है, ठीक है। और इस पर हम क्लिक करते हैं तो मतलब ये होवर हो रहा है, ये होवर हो रहा है, ठीक है। अभी ये स्टैटिक है कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो नथिंग, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो जस्ट क्लिक करने के बाद ये एक्टिव हो जाता है और वो अनएक्टिव हो जाता है। इस पर क्लिक करता हूँ ये एक्टिव हो गया, इस पर क्लिक करता तो ये एक्टिव हो गया, ठीक हो गया। और ये बहुत ही आसान है, अगर आप टैब्स जैसे, क्योंकि हमने कल नैव बार सीख ली तो ये उससे तो बहुत ही आसान है। जस्ट आपने क्या करना है कि इसमें एक UL लगाना है बस, ठीक है। और UL के अंदर एक क्लास डिफाइन करनी नैव, ठीक है, उसके बाद नैव टैब्स, ठीक है। और जो आपका पहला लिंक है उस पर क्लास दे देनी आपने एक्टिव की, बाकी आपके पास जो UL है वो एज इट इज़ है, ठीक है जी। लेट्स सी हम बनाकर देखते हैं। ठीक है जी, तो ये बूटस्ट्रैप का वैसे ही वही स्ट्रक्चर है कि हमने लैंग्वेज डिफाइन कर दी, करेक्टर सेट डिफाइन कर दी, व्यू पोर्ट डिफाइन कर दी और तीन लाइब्रेरी हमने ऐड कर दी, जिसमें से एक CSS है, एक जावास्क्रिप्ट एंड jQuery है, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, UL का टैग लगाएंगे, फिर इसमें LI लगाएंगे, उसके अंदर एंकर लगाएंगे, एंकर में हैश दे देंगे, ठीक है जी। और इसमें कोई भी हम दे देंगे, अभी ये हमारे पास होम पेज है, ठीक है। और यहाँ पर इसके पास एक क्लास डिफाइन कर देंगे क्लास, और वो क्लास कौन सी, एक्टिव की, बूटस्ट्रैप की क्लास एक्टिव है, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी किया, इधर आके पेस्ट कर दिया अगेन, जितने आपको लिंक चाहिए, ठीक है। इधर आप कर दें जी पेज वन, ठीक है, पेज टू एंड पेज थ्री, ठीक है। एक्टिव की क्लास सिर्फ हमें फर्स्ट पे चाहिए थी, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, इसको भी हम ख़त्म, इसको भी हम ख़त्म, ये भी हो गया। अब इसमें वो कहता है कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, अगर आप खुद से CSS नहीं लगाना चाहते तो जस्ट आप लिखे नैव बेसिक, कि नैव बनाना चाहते हैं नैव लिखा एंड नैव माइनस टैब्स, ठीक है जी। ये एक क्लास है नैव माइनस टैब्स की, ठीक है। अब इसको हम रेंडर करते हैं, तो ये देखें रेंडर किया तो इस तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमने कोई क्लास नाम सही नहीं दिया और वो नैव नैव टैब्स ही है, ठीक है। तो LI क्लास एक्टिव है, तो ये इस तरह का बनना चाहिए था ना हमारे पास, बल्कि इस तरह का, ये देखिए इस तरह से एक बॉर्डर आना चाहिए था, जबकि हमारे पास किस तरह से आ रहा है, कोई बॉर्डर आ ही नहीं रहा, देख रहे हैं। तो क्या इस मिस्टेक की हमने, वो देख लेते हैं, UL के अंदर क्लास नैव नैव माइनस टैब्स, नैव नैव माइनस टैब्स, बिल्कुल ठीक है। और ये मेन्यू हमने डिफाइन कर दिया, लेट्स सी हम इस पर देख लेते हैं, इसमें भी वो बॉर्डर बन रहा है सर जी। बोले सर ये LI में लगाया उन्होंने वो एक्टिव वाला। अच्छा सही, हाँ जो क्लास ये वाली लगाई हुई है इसको टाकर इधर लगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये अब बन गया एक्टिव वाला, बाकी देखिए लाइन आ गया, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हो जाए तो इसको इसको इनमें से जिसको सेलेक्ट करते हैं वो हो जाता है, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या स्ट्रक्चर है, बाकी UL वैसे ही है, जस्ट UL में एक क्लास लगा देनी है और जो पहला LI है उसके अंदर क्लास एक्टिव की लगा देनी है, तो आपको ये एक बेसिक सा नैव टैब टैब्स वाला मिल जाएगा। अब वो कहता है कि अगर आपने किसी भी एक पेज के ऊपर मेन्यू लगाना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम क्या करें, मेन्यू लगा लेते हैं, हम पेज टू पे मेन्यू लगा लेते हैं,
तो पेज टू पे मेन्यू लगाने के लिए देखिए वही वाला हम कल वाला ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। हम पहले जो पेज टू है इसके पास आएंगे, इसके पास आकर हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ये देखिए ठीक है। और अगेन हम एंटर करेंगे और इसको हम, बल्कि एक सेकेंड, इधर आके हम सबसे पहले एंटर करेंगे ऐसे, और यहाँ पर भी एंटर करेंगे, ये एल आई हो गया। अब इस एंकर टैग के अंदर हमारे पास जो पेज टू है ये लिखेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर ना हम सबसे पहले, इसके बाद हम एक और काम करेंगे, स्पैन का टैग लगाएंगे और स्पैन के टैग के अंदर एक क्लास डिफाइन करेंगे कैरेट की, ठीक है। ये करने के बाद आप अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखिए ये कैरेट बन के आ गया, अभी इसको डिस्प्ले करने पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, ड्रॉप डाउन बनाना है ना हमने। तो इसके बाद हमने जो एंकर टैग है एच रेफ तो लगा लिया है, इसमें हमने दो चीज़ें करनी है, एक तो क्लास डिफाइन करनी है ड्रॉप डाउन, ठीक है, टी ओ डबल जी एल ई टॉगल, ड्रॉप डाउन टॉगल है, और इसके बाद डेटा, ठीक है, और डेटा टॉगल, ठीक है, इक्वल डबल कोट, और वो भी क्या करना है हमने, टॉगल टी ओ डबल जी एल ई, ठीक है जी। और उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास दे देनी है, क्लास कौन सी, ड्रॉप डाउन की, ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाएगा, डोटा टॉगल जिसको करना है वो ड्रॉप डाउन की क्लास है। स्पैन के बाद आपने एंकर टैग से बाहर आना है, यहाँ पर आपने एक यूएल बनाना है, एंड यूएल में आपने एक एलआई देना है, एलआई के अंदर एंकर टैग देना है, ठीक है। इस यूएल को आपने क्लास असाइन कर देनी है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक हो गया। अब आगे जो उनसे हैं, बल्कि हम इधर खुद ही डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम हैश दे देते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर हम दे देते हैं जी लिस्ट वन के नाम से, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं, इधर आके पेस्ट, इधर आके पेस्ट, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं लिस्ट टू का एंड लिस्ट थ्री का। तो ये वही वाली चीज़ें मैंने दोबारा से रिवाइज़ की है जो हम नैव बार में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जो हमारे पास कंटेनर है एल आई है, उसके अंदर हमने क्लास ड्रॉप डाउन की दे दी, एंकर टैग है जिसके ऊपर होवर करें या क्लिक करें, अब हम क्लिक कर रहे हैं, डेटा टॉगल हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसको हमने क्लास दे दी ड्रॉप डाउन कि हमारे पास जो जिसको डिस्प्ले कराना है, जिसके पास ड्रॉप डाउन की क्लास है, उस ड्रॉप डाउन के अंदर हमने ड्रॉप डाउन मेन्यू को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो हमने उसको मेन क्लास बता दी है और ये क्लास बता रहा है ड्रॉप डाउन टॉगल की, ठीक है जी। लेट्स सी के अब इफेक्ट क्या आते हैं, ठीक है जी, इसको हम रेंडर करते हैं, ये देखिए जी एक बना हुआ है, ये देखिए जी। तो टैब्स और पिल्स में सिर्फ ये, टैब्स और नैब बार में क्या पड़ रहा है कि आपके पास जो टैब्स की क्लास आ जाती है उसमें नैब की क्लास आ जाती है, उसी तरह से पिल्स भी ऐसे ही है, जस्ट आपके पास ये वाला हिस्सा जो ड्रॉप डाउन है ना वो एज इट इज बनना है, हर किसी में एज इट इज बनना है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी जो आए हैं उनको अटेंडेंस मार्क कर की जाए, अबू बकर की, अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेप है कि हमने टैब्स विद ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये भी हमने देख लिया है, ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैं अभी करवा चुका हूँ, ड्रॉप डाउन की क्लास लगाई, ड्रॉप डाउन टॉगल किया, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बताया, हैश बताया, मेन्यू वन कैरेट ड्रॉप डाउन मेन्यू, और जो चीज़ें आ गई। अब वो दूसरी जो चीज़ है कि मेन्यू को आप किस और टैब्स के अलावा किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, आपने जस्ट पिल्स, पिल्स के लिए जस्ट आपके पास यहाँ पर चेंज आएगा, जहाँ पर टैब्स लिखा हुआ तो ऊपर यहाँ पर पिल्स आ जाएगा, बस और कोई चेंज नहीं आना, ठीक है। तो यहाँ पे हम पिल्स लिख लेते हैं, बस ये सिर्फ डिफरेंस होना है, इसको रेंडर करते हैं, ये देखिए पिल्स आ गए, बाकी ड्रॉप डाउन वैसे का वैसे ही चल रहा है, ठीक है। अगर वो कहता है कि अगर आपने पिल्स को वर्टिकल बनाना है, ठीक है जी, उसके लिए आप क्या कर लें, नैव स्टैक का यूज़ कर लें, पिल्स तक वैसे के वैसे ही है, अगर आप नैव स्टैक रख देंगे तो आपके वो वर्टिकली आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी करके जस्ट एक सेकेंड देख ही लेते हैं, नैव एस टी ए सी के स्टैक की क्लास लगाई, इसको फिर से रेंडर किया, ये देखिए अब वर्टिकल आ गया, ठीक है। अब ये जो वर्टिकल ज़्यादातर यूज़ होता है कि बाज़ दफ़ा आपके पास डिफरेंट कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और एक कॉलम के अंदर रोज़ है, तीन चार कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम के अंदर वर्टिकली आपने कुछ शो करवाना है, जैसे ये बता रहा है इसमें कुछ टैक्स आ गए, इसमें कुछ टैक्स आ गए, इसमें से आप कुछ चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए तीन कॉलम के अंदर बताया हुआ है,
अब वो कहता है कि ड्रॉप डाउन बना सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन वही मैंने बना पहले ही बना कर रखा हुआ है, ड्रॉप डाउन की क्लास दी, ड्रॉप डाउन टॉगल, ड्रॉप डाउन, ये वही चीज़ है जो आपने ऊपर लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ हमने, ये देख रहे हैं। उसके बाद आप सेंटर टैब एंड फिल्स, आप इसका जो कंटेंट है ठीक है वो बिल्कुल सेंटर में लेकर आ सकते हैं। देखिए मेन्यू वन सेंटर में है, मेन्यू टू सेंटर में है, मेन्यू थ्री सेंटर में है। उसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, नैव जस्टिफाइड लिख देना है ठीक है। तो अगर ये पहले नॉर्म, ये बिल्कुल लेफ्ट लाइन है ठीक है जी। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ और अब रेंडर करता हूँ तो ये देखिए ये लेफ्ट लाइन, मतलब देखा जाए तो ये भी अभी भी, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इनका जो साइज़ है ना बॉक्स का वो थोड़ा स्मॉल है। तो अगर अब मैं यहाँ पर नैव जे यू एस टी आई एफ आई डी जस्टिफाइड कर देता हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखिए जी, ये एक तो इनका साइज़ बढ़ गया है और ये देखें होम पेज बिल्कुल सारी जगह पे आ गया, मतलब जितनी विड्थ थी उसने उस पूरी विड्थ के हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई। अगर आपके पास एक और एल आई होता वो फिर किस तरह से जस्टिफाई, मेरे ख्याल से उसका साइज़ थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन उस पूरे पूरी विड्थ पे से जस्टिफाई करेगा अपने आप को ठीक है जी। तो पेज थ्री अभी मैंने बनाया कि पेज, अच्छा यहाँ पे नहीं बनाना था बेसिकली, ये एल आई के अंदर पेज थ्री है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी ठीक है जी। इसको हम फोर कर देते हैं, इसको हम फाइव कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जस्टिफाई से क्या हुआ कि अभी तो उनकी लेंथ भर गई ना, तो अब जो जस्टिफाई हो गया यानी कि जितने भी आ रहे हैं वो अपने आप को जस्टिफाई, इक्वल स्पेस मिल गई सबको ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि डायनामिक का मतलब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या कर सकते हो। जैसे अभी मैंने एक एक्टिविटी दी है ना आप लोगों को, लेकिन वो तो मैंने कहा ना कि अलग अलग पेजेस में बनाए, क्या आप वन पेज के ऊपर आप बना सकते हैं कि मैं कहूँ कि अभी आप यहाँ पर लिख दिए एक्टिविटी वन, एक्टिविटी टू, एक्टिविटी थ्री। जब मैं एक्टिविटी वन बाय डिफ़ॉल्ट शो हो, जैसे यहाँ पर कुछ डेटा शो हो रहा है, जैसे ही मैं, बल्कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है ठीक है, ये एक्टिविटी वन का डेटा जो भी आपने डिज़ाइनिंग की, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक्टिविटी टू शो हो जाए, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ एक्टिविटी थ्री शो हो जाए। देखिए उससे रिलेटेड डिफरेंट डेटा शो हो रहा है, जैसे एक्टिविटी इस पर क्लिक करता हूँ तो एक्टिविटी थ्री का शो हो जाए ठीक है। तो ये जो एक्टिविटी आप लोगों को ये असाइनमेंट में मिली हुई है ना, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी कि वन पेज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप अपनी आसानी के लिए तीन अलग अलग पेजेस बनाए। मैंने आज वाली वन पेज पे बनाई है, कल वाली। ज़बरदस्त ठीक है। तो अभी आप बेशक अपनी आसानी के लिए तीन अलग अलग पेजेस बना लें ठीक है। तो जैसे ही आप लोग कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी में दे दूंगा कि आप ये काम है जस्ट आपने उसको वन पेज करना है, वो बड़ा ईजीली हो जाएगा आपके पास। तो ये आप देखते हैं कि ये जो डायनेमिक कैसे हो रहा है कि जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड डाटा आ जाता है, इस पर क्लिक करते हैं तो इससे रिलेटेड डाटा आ जाता है ठीक है। वो जो पहले वाला डाटा वो हाइड हो जाता है, इसको क्लिक करते तो मेन्यू टू वाला डाटा आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, तो जस्ट दो तीन चीज़ें ऐड करनी है। वो कहता है कि जहाँ पर आपके पास एल आई है वहाँ पर अपना डेटा टॉगल टैब की क्लास असाइन करनी हर एक एल आई के पास ठीक है। और जहाँ पर आपने ये डेटा शो कराना है मेन्यू थ्री मेन्यू फोर, उस डिफ में आपके टैब पेन की क्लास ऐड करनी है ठीक है। विद अ यूनिक आईडी फॉर एवरी टैब एंड रैप देम इनसाइड अ डिव एलिमेंट विद क्लास टैब कंटेंट ठीक है जी। और इफ़ यू वांट द टैब टू फेड इन एंड आउट व्हेन क्लिकिंग, फेड का मतलब जैसे ये क्लिक किया तो एकदम से गायब होकर दूसरी चीज़ आ जाएगी, गायब होकर दूसरी चीज़ आ गई, होती है फेड इन ठीक है। ये फेड आउट फेड इन हो गया, फेड आउट फेड इन हो गया फ़ौरन ही ठीक है। तो ये आपने क्लास ऐड कर देनी है टैब पेन के अंदर ठीक है। तो लेट्स सी हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं रही, ये जो ड्रॉप डाउन बनाया है ठीक है जी, इस एल आई को मैं ख़त्म कर देता हूँ ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए हैं। अब इसके बाद वो कहता है कि जी आपने अगर जो है ना इस तरह से डायनेमिक बनाना है तो मेन क्लास तो आपके पास नैब नैब टैब्स की ही है ठीक है। लेकिन जो आपके पास जो एल आई जो एक्टिव है ना ठीक है, एक तो आपने उसको एच एफ में जो है ना डिफरेंट किस्म के आपने दे देते हैं कि अभी होम कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा ठीक है। और हर एल आई के अंदर आपने डेटा टैग टॉगल टैब बताना है ठीक है। वो हम करते हैं, हम आते हैं इधर एल आई में, एल आई में आकर हम यहाँ पर बताते हैं जी डेटा टॉगल इक्वल ठीक है। अगर हम टैब्स का बना रहे हैं अभी ये, इसको हम टैब कर देते हैं ठीक है। नैब जस्टिफाई भी ख़त्म कर देते हैं, ये ले जी अब टैब्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे पास ये हैं, और एच एफ में हमने इसका जो आईडी साइन कर देना है, और आईडी यूनिक हो, जैसे इसको हम होम ही दे देते हैं। और यहाँ पर आकर हम अगेन क्लास, क्लास में हम क्या कहते हैं जी डेटा टोगल इक्वल डबल कोड एक सेकेंड ठीक है जी। क्लास तो नहीं देनी इसको, डेटा टोगल देना है, डेटा टोगल इक्वल डबल कोट्स, और डेटा टोगल में हमने बता देना इसको भी टैब ठीक है।
तो बजाय इसके ये सब में देनी है, हम इसी को कॉपी कर लेते बार बार लिखने के बजाय। इधर भी हमने ये देना है, इधर भी हमने ये देना है, इधर भी हमने ये दे देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने आईडीज डिफाइन करनी हर पेज के, ठीक है, यूनिक आईडी हो ताकि उसको कंफ्यूज ना हो कि उसने किस पेज पे जाना है। तो यहाँ पर हम इसको आईडी दे देते हैं पेज वन, ठीक है, यहाँ पर हम आईडी दे देते हैं पेज टू, यहाँ पर आईडी दे देते हैं पेज थ्री, और यहाँ पर आईडी दे देते हैं पेज फोर, ठीक है जी। अब वो कहता है कि उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आपने कंटेंट डिस्प्ले कराना है एक डिव बना लें, ठीक है, और यहाँ पे आप एक क्लास असाइन कर दें, क्लास टैब कंटेंट, जो भी कंटेंट डिस्प्ले कराना है वो इसके अंदर डिस्प्ले कराना है। अब एक डिव बना लें, ठीक है, अब इस डिव के अंदर आप सबसे पहले एक आईडी डिफाइन कर लें, आईडी, और आईडी कौन सी होगी, अगर आपने होम से रिलेटेड कोई भी काम जब होम पे क्लिक करें तो वो इस डिव पे आ जाए, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप होम डिफाइन कर लें, ठीक है, और यहाँ पर आप आपने कोई भी डेटा लिखना, जैसे H1 लिख लेते हैं, ठीक है, दिस इज़ होम पेज, ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ, एंड दिस इज़ होम पैराग्राफ, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रेंडर करके देखता हूँ, अभी कुछ होता है कि नहीं होता, अभी कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, या तो अभी हमारे पास या तो क्लास हमने डिफरेंट यूज़ नहीं की, देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया, नैव टैब्स लगा ली, डेटा टॉगल बता दिया, मेन्यू भी बता दिया, टैब कंटेंट भी बता दिया, हाँ फेड इन फेड आउट तो किया ही नहीं हमने, आईडी तो दे दी है, एक क्लास भी तो देनी है ना, और बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या करना है, इनएक्टिव, एक्टिव यानी फेड इन करके एक्टिव करना है, ठीक है जी। पहली दफ़ा फेड इन की क्लास देनी है और एक्टिव रखना है, बाकियों का हमने जस्ट फेड फेड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लास और देनी है, आईडी तो दे दी है, अब जैसे क्लास भी दे देनी है, क्लास के अंदर हमने उसको बताना है टैब पैन, सॉरी टैब माइनस पी एन पेन इक्वल, और सॉरी स्पेस आगे, अब इसको जो फेड इन बाय डिफ़ॉल्ट हो और ये एक्टिव भी हो, ठीक है जी। अब मज़ीद मैं क्या करता हूँ, मैं ना सारी डिव बना लेता हूँ ताकि हमारी वर्किंग सही से प्रॉपर हो सके। अगेन एक डिव बनाई, डिव के अंदर आपने अब इसके अंदर जो आईडी दे देनी है, इसके अंदर जो आईडी दे देनी है, इसके अंदर आईडी दे देनी है पेज, पेज वन की आईडी दे देनी है, ठीक है, इसको भी एक क्लास असाइन कर देनी है, क्लास इसके बाद टैब, क्लास सबके बाद कॉमन है, लेकिन यहाँ पर फेड की क्लास भी आएगी, ठीक है, वो फेड हो जाएगा, अगर आपने ये एक्टिव है जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फेड इन हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो H1 है वो एज इट इज़ रहने देते हैं, H1 अभी तो लिख दे, दिस इज़ पेज वन, पेज वन, पेज वन हेडिंग, इसी तरह से पैराग्राफ भी देते हैं, दिस इज पेज वन पैराग्राफ, ठीक है। अब ये करते हैं कि हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, जितने पेजेस है उतनी डिव बना लेते हैं, तो हमारे पास पेज वन क्या हो गया है, ठीक है, और ये पेज टू होना चाहिए था, एंड ये पेज थ्री होना चाहिए, एंड ये पेज फोर होना चाहिए, लेट्स सी, पेज होम के लिए हो गया, पेज वन के लिए हो गया, अभी टू थ्री फोर रहते हैं, ठीक है, एक के दो हो गए, तीन रहते हैं, दो सर, एक दो और तीन, तो हमारे पास पेज वन का हो गया। यहाँ पर आईडी हम पेज टू कर देंगे, यहाँ पर आईडी पेज टू, मतलब कंटेंट भी हमें पता लगे ना कि कौन सा चेंज हो रहा है, यहाँ पर हम पेज थ्री, और यहाँ पर भी थ्री, यहाँ पर भी थ्री, इसी तरह से ये फोर हो जाएगा, ये भी हमारे पास फोर एंड फोर, जबकि ये फाइव क्यों है हमारे पास फोर, हाँ ठीक है। तो अब ये देखिए, ये हमारे पास जो आप अलग अलग पेजेस पे काम करेंगे ना, जैसे आपने वो आपने सारा काम क्या करना है, यहाँ पर कोड लिख देना, अब वो HTML CSS लगाने की जरूरत, मतलब जो होता है ना आपके पास कंटेंट, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, जस्ट वेट कीजिएगा ज़रा 2 मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बस पर आकर जाने लगा, हाँ हाँ लिंक रोड से, ठीक है, हाँ हाँ चलो ठीक है, फिर उधर से सही है, हाँ हाँ ठीक है फिर ये सही है, हाँ ठीक है ठीक हो गया, ओके अच्छा जी। आप देखते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है क्लास में,
एक सेकेंड, ये चीज़ आ गई। ठीक है, अभी हम क्लिक करें तो नथिंग, कुछ शो नहीं हो रहा, होम पेज वाला ही शो हो रहा है। ठीक है, ये एक्टिव तो हो रहा है लेकिन शो नहीं हो रहा कोई पेज। एरर देख लेते पहले हम, एरर भी नहीं है, बस हमारी क्लास का जो क्लास नेम है ना वो हमने गलत लिखाया होगा। और वो है जी हमारे पास टैब कंटेंट की क्लास है, ऐसे ही है, टैब कंटेंट की क्लास, होम टैब पेन की क्लास है एक, इसको ही कॉपी कर लेते हैं। और डेटा टॉगल टैब है, और नैव बार टैब, डेटा टॉगल टैब टैब टैब, ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं, इसको आकर पेस्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। बच्चों कोई किसी को पता लग रहा है कि क्या मिस्टेक की हमने? बिल्कुल ठीक है हमारे पास क्लास में, इसको हम टैली कर लेते हैं, इधर आते हैं और हम इधर आते हैं। अच्छा जी, किसी को कुछ समझ आ रही है क्या मिस्टेक हो सकती है हमारी? इधर आते हैं, इधर इधर इधर, ये आ गई नैव, नैव टैब्स की क्लास लगा ली हमने, एल आई को एक्टिव भी कर दिया। अच्छा, मिस्टेक हमसे मुझे समझ आ गई है। ठीक है, तो जो जो डेटा टॉगल है ना ये हमें एंकर टैग में देना है, क्योंकि वो ये सारा काम उसमें होगा ना, एंकर पे क्लिक करें ना, तो यहाँ पर ठीक है जी, एंकर स्पेस दिस 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 एंड अच्छा, समझ भी आ रही कि नहीं आ रही, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। आवाज आ रही मेरी? जी सर आवाज आ रही है। ये देखिए जी, हो गया काम हमारा, होम पे क्लिक किया, होम वाला आ गया कंटेंट, इस पे क्लिक किया, इसका आ गया पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर। तो मैं ये कह रहा था कि आपकी ये जो एक्टिविटी है, चले पहले आप अलग अलग पेजेस में बना लें, जब आप लोग मंडे को कर लेंगे देन उसके बाद एक्टिविटी दे देंगे कि अभी अब आपने इस तरह से एक मेन्यू बना लेना, जैसे मैं होम पे क्लिक करता तो होम का पेज आ जाएगा, पेज वन पे क्लिक करता उसका डिज़ाइन आ जाए, पेज थ्री, पेज फोर, पेज फाइव। ये मैं फिर आपको ना एक एक्टिविटी असाइनमेंट के तौर पर दे दूँगा। ठीक है, ये होता है डायनेमिक कि आपका रन टाइम के ऊपर ही एक ही वन पेज के ऊपर ही आपका सारा डिज़ाइन, लेकिन आप जब क्लिक करते तो वो सिर्फ उतना ही हिस्सा शो हो रहा, बाकी हिस्सा जो है ना हाइड हुआ हुआ है, ये पेज टू का रिलेटेड सारा कॉन्टेंट आ रहा है, पेज थ्री से रिलेटेड कंटेंट आ रहा, बाकी हाइड हो रहा है। ठीक है, तो सेम गोज टू आप डायनामिक पिल्स के साथ भी कर सकते हो, जस्ट आपने डिफरेंस क्या करना है, जहाँ पर टैब था वहाँ पर पिल्स लिख देना, जहाँ पर टैब था वहाँ पर पिल लिख देना, बस, और कोई इसमें कोई चेंज नहीं करनी। तो वो आपके पास ये पिल्स से रिलेटेड आ जाएगी, देखिए पिल्स से रिलेटेड डेटा चेंज हो रहा है जी। बच्चों ये क्लियर हो गया आप लोगों को?